नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम प्रार्थना सभा के बारे में जानेंगे और यंग बंगाल आंदोलन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहां से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलते हैं। भाई, क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में देखने को मिलते हैं वो हम अपने आने वाले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाएंगे। पहले हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि आपको इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दे दें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के अनुसार पेपरों को किस प्रकार से हल करते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं प्रार्थना समाज। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, प्रार्थना समाज किनके द्वारा स्थापित किया जाता है और इनसे कौन कौन से व्यक्ति विशेष प्रार्थना समाज से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद में वो क्या क्या कार्य करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो यही है कि जो कोई भी समाज हो, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी शासन हो, साम्राज्य हो, सत्ता हो, उनके समय में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे ही संबंधित क्वेश्चन देखो भाई पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उनके बारे में पता होगी तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर दोगे। तो आज हम यही जानेंगे कि प्रार्थना समाज के कौन कौन से व्यक्ति विशेष थे, यानी महापुरुष थे, और उन्होंने कौन कौन से कार्य इस संगठन को बनाने के बाद किए। ठीक है, तो होता क्या है भैया, प्रार्थना समाज की जो स्थापना की गई थी वो 1867। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है समय से कि भाई कौन से समय मिलान के लिए ज़्यादातर कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है कौन से सन से। ठीक, ये फिर आ जाता है स्थान से संबंधित, भाई कौन से स्थान पर हुई थी। ठीक है ना, तो ये बम्बई में, तो समय स्थान मिल गया। अब संस्थापक के नाम से संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है, तो संस्थापक का नाम क्या था? सबसे पहले डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन बन गए यहाँ से संस्थापक से। लेकिन प्रार्थना समाज से और भी जुड़े हुए सदस्य थे, उनके बारे में भी अगर नाम पूछ लिया जाए, इनका नाम ना आए उनका नाम आ जाए, तो आप उनको भी टिक कर सकते हो। ठीक है ना, उन पर भी आप उनका भी जवाब आसानी से दे सकते हो। जैसे कि बाद में संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, इसके बाद में आरजी भंडारकर, ये भी आप इन्हें भी संस्थापक के रूप में जान सकते हैं। क्योंकि किसी भी अगर संस्था किसी भी संगठन संस्था का अगर गठन किया जाता है, पार्टी का गठन किया जाता है, तो उसमें एक व्यक्ति विशेष नहीं होता, उसमें जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं वो भी, उनसे भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं और वो भी उस संस्था से जुड़े हुए माने जाते हैं कि भाई इस संस्था को बनाने के लिए इन व्यक्तियों का भी सहयोग था। ठीक है, तो संस्थापक जो थे आत्माराम पांडुरंग। लेकिन इनके बाद में अगर संस्थापक की बात आए दूसरे नंबर के, ठीक है, जो संस्थापक माने जाते हैं बड़े संस्थापकों में जो शामिल थे, वो आरजी भंडारकर, और तीसरे नंबर पर जो आते हैं महादेव गोविंद रनाडे। ये रनाडे जो थे ये भी प्रार्थना समाज के संस्थापकों में शामिल थे, यानी पहले ये, फिर बाद में आरजी भंडारकर और रनाडे ने भी प्रार्थना समाज के संगठन यानी संस्थापना में और इसके प्रचार और विस्तार और इसके उद्देश्य में बहुत ज़्यादा सहभागिता दी थी। ठीक है, तो रनाडे इसमें शामिल थे यहाँ से। अब इसकी जो प्रेरणा स्रोत है कि आखिर ये समाज बना क्यों, प्रार्थना समाज क्यों बना था, कि केशव सेन, क्योंकि ये कौन से थे, ये ब्रह्म समाज में थे और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय जी। लेकिन उनके बाद में महर्षि द्वारकानाथ टैगोर ने संभाली बागडोर और पंडित विद्या राम चंद्र बागीश ने संभाली। लेकिन उनके बाद में बागडोर किसने संभाली थी, तो 1843 में ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो तो द्वारकानाथ टैगोर जी के पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने संभाली। उसके बाद में इन्होंने फूट पड़ जाती है 1865 में, तो केशव सेन जी की एक अलग शाखा बनती है और देवेंद्रनाथ टैगोर की अलग, यानी एक शाखा आदि ब्रह्म समाज और दूसरी जो शाखा थी वो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आती है। लेकिन
उनके बाद उनमें भी फूट पड़ जाती है, ठीक, तो वहां से भी साकार। इसी प्रकार अब यहां पर सबसे पहले आत्माराम पांडुरंग थे, उसके बाद में रनाडे, रनाडे इस संस्थापक प्रार्थना समाज के बाद में बहुत सहयोग करते हैं और इस सहयोग के साथ में अपना इस समाज में बहुत ज़्यादा यानी आम जनता के लिए प्रयास करते रहते हैं समाज सुधारों में। तो केशव सेन जब महाराष्ट्र की यात्रा पर आए थे तो उनसे ही प्रेरणा लेकर, क्योंकि इन्होंने पहले महाराष्ट्र पहले मद्रास गए थे तो वेद समाज की स्थापना की थी श्री धरालू ने, ठीक है ना, और उसके बाद जब ये बम्बई की यात्रा पर थे महाराष्ट्र की बम्बई की में, तो केशव सेन जी से प्रेरित होकर इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो इसलिए हो सकता है इनके बारे में भाई प्रार्थना समाज की प्रेरणा स्रोत कहते हैं तो केशव सेन, इनकी प्रेरणा से आत्मराज पांडुरंग और आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, आप इस प्रकार भी समझ सकते हो। पश्चिम भारत में याद रखना, पश्चिम भारत में रनाडे को, इसको महादेव गोविंद रनाडे को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का क्या कहा जाता, अग्रदूत, यानी पश्चिम भारत में। पश्चिम भारत कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र बम्बई जो है वो हमारा देश का पश्चिम भारत बोला जाता है, क्योंकि भारत को चार भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के जो अग्रदूत थे वो महादेव गोविंद रनाडे थे। यहाँ से भी संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है। बात करते हैं कि 1871 ईस्वी का जब समय था तो महादेव गोविंद रनाडे ने क्या करा था कि सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ठीक है, प्रार्थना समाज के साथ में। कौन सी सभा इन्होंने, इस कौन से समाज की स्थापना की, सार्वजनिक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। इसके बाद में अब बात करें महाराष्ट्र में, तो रनाडे ने, जो रनाडे हैं उनको महाराष्ट्र में क्या कहा जाता है, सुगरात, यानी महाराष्ट्र का अगर सुगरात कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, गोविंद रनाडे को, महाराष्ट्र का सुगरात महादेव गोविंद रनाडे को। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है, ठीक है, पेपरों में क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र का सुगरात किसको कहा जाता है। महादेव गोविंद रनाडे ने 1800, यानी हमारे देश में बहुत ज़्यादा अशिक्षितता थी उस समय, कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे जो देश की क्रांति में भी सहयोग कर रहे थे और जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध भी आंदोलन में भी थे, तो उनमें से एक आप इनको भी मान सकते हैं कि बहुत मेधावी, मेधा शक्ति के कारण रनाडे को महाराष्ट्र का सुगरात भी कहा जाता है, बुद्धि के कारण, क्योंकि बहुत तेज तर्रार ये महापुरुष थे, ठीक है। तो इन्होंने जनता की शिक्षा के लिए क्या करा था कि 1884 में दक्कन, याद रखना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, समय और सोसाइटी, तो और इसके संस्थापक, तो महादेव गोविंद रनाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। और कालांतर में, यानी बाद में, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो था इसको पुनः फर्ग्यूसेशन कॉलेज का नाम दिया जाता है, क्या, पुनः फर्ग्यूसेशन कॉलेज इसको कहा जाता है बाद में, यानी कालांतर में, आने वाले समय में। अब आपको ये भी याद रखना होगा कि अगर फर्ग्यूसेशन, जो पुनः फर्ग्यूसेशन कॉलेज है उसका नाम ही है ये, दक्कन जो एजुकेशन है, एजुकेशनल, ये नाम आगे चलकर पुनः फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात करें महाराष्ट्र में 1891 ईस्वी में विडो मैरिज एसोसिएशन, यानी रनाडे जी ने, महादेव गोविंद रनाडे जी ने 1891 ईस्वी में विडो मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। ये किससे संबंधित थी, तो महादेव गोविंद रनाडे जी से ही। और एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एक आस्तिक की धर्म में आस्था, याद रखना ये भी महादेव गोविंद रनाडे जी से ही संबंधित है, कि इन्होंने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नामक 39 अनुच्छेद
39 अनुच्छेद वाली एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिलता है। बात करें अगर समाज सुधार की, तो इनके जो समाज सुधार के जो कार्य इन्होंने किए थे, इनके जो सहयोगी थे उन्होंने कौन थे? विष्णु शास्त्री। समाज सुधार के कार्यों में जो सहयोग करने वाले लोग थे, इनके सहयोगी थे विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे। ठीक है, अब ये सभी जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध थे, जाति प्रथा के विरुद्ध थे, बाल विवाह के विरुद्ध थे, ठीक है ना, सती प्रथा के विरुद्ध थे, लेकिन ये विधवा विवाह के समर्थक थे कि भाई